प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित एक प्रश्न सॉल्व कर दिखला रहे हैं। आज का प्रश्न है सो दैट इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी अपॉन टी विद रेस्पेक्ट टू टी अंडर लिमिट 0 to अनंत इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। हमें सिद्ध करना है यदि हम 0 से लेकर अनंत तक लिमिट के अंदर साइन टी अपॉन टी का विद रेस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट करेंगे तो उसका आंसर पाई बटे 2 आएगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए हमने LHS लिख लिया, LHS जैसा है वैसा उतार लिया। अब इसमें जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का एक फार्मूला है वो ये है कि यदि लिमिट 0 से लेकर अनंत तक है और कोई फंक्शन टी का एफ टी है और उसको टी से डिवाइड कर दिया गया है, उसके बाद यदि उसका टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा जाए तो उसका आंसर उतना ही आता है जितना 0 से लेकर अनंत लिमिट के अंदर एफ टी का लाप्लास लेने के बाद जो फल प्राप्त होता है उसका पी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें। इस फार्मूले के अंदर शर्त यह है कि लिमिट 0 से अनंत तक ही होना चाहिए और कोई दूसरी लिमिट नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पर यदि हम इस अपने प्रश्न की इससे तुलना करें तो हमें ज्ञात होता है कि एफ टी का मान जो है वो साइन टी के बराबर है। तो इस सिद्धांत के आधार पर हम इसको लिख सकते हैं बराबर लिमिट 0 से अनंत तक लाप्लास साइन टी विद रेस्पेक्ट टू पी। और जैसा कि आप जानते हैं साइन टी का लाप्लास 1/p² + 1 होता है, तो इसके स्थान पर हमारा आ जाएगा 1/p² + 1 और ये इंटीग्रेशन का निशान लग जाएगा अंडर लिमिट 0 से अनंत और विद रेस्पेक्ट टू पी। जैसा कि आपने इंटर कैलकुलस में पढ़ा था, इंटीग्रेशन कैलकुलस में पढ़ा था 1/x² + 1 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। इसी प्रकार से यदि इसको हम इससे मिलाएं तो हम देखते हैं यहाँ पर फंक्शन हमारा p का है और यहाँ पर फंक्शन हमारा x का था। फंक्शन दोनों एक से हैं, यहाँ पर x का फंक्शन था, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था, यहाँ पर p का फंक्शन है, p के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो इस नियम के आधार पर 1/p² + 1 का जब p के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा tan इनवर्स p। और चूंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रश्न बन जाता है इसलिए इसकी लिमिट लगानी पड़ेगी हमें अनंत और 0। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, जो हमारे लिए ये फल प्राप्त हुआ है tan इनवर्स p, इसमें p के स्थान पर पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे माइनस, बाद में लोअर लिमिट लगा देंगे और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तब फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो अपर लिमिट हमारी अनंत है और लोअर लिमिट हमारी 0 है, तो हमने लगाया tan इनवर्स अनंत माइनस tan इनवर्स 0। और जैसा कि आप जानते हैं tan इनवर्स अनंत बराबर होता है पाई अपॉन 2 के, इसलिए इसके स्थान पर लिख देंगे हम पाई अपॉन 2 और tan इनवर्स 0 का मान होता है 0 के बराबर, इसलिए इसके स्थान पर लिख देंगे हम 0। तो हमारे लिए फल प्राप्त होता है पाई बटे 2 माइनस 0, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें फल प्राप्त होगा पाई बटे 2, अर्थात उतना फल आ जाता है, उतना रिजल्ट आ जाता है जितना RHS में हमें लाना था। तो हम लिख देंगे बराबर RHS प्रूव्ड इट। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न पूरा हो जाता है। प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं, केवल आप उनको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए तो आपको किसी और फार्मूले वगैरह याद होना चाहिए आपको किसी प्रकार के प्रश्न में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी पाठ्यपुस्तकों में इस प्रकार के अनेकों प्रश्न दिए होंगे, उनसे तुलना करके इन प्रश्नों की आप उनको करने का अभ्यास कीजिए। आज मैं अपनी आप बात को यहीं समाप्त करता हूँ, अगली बार कोई नया प्रश्न बतलाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, आपको धन्यवाद।